मैं अंबिका, एक लाइफ कोच, एक बार फिर आपके साथ। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे जा रही हैं ये अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे स्टूडेंट्स के लिए। छोटे बच्चों की तो जैसे लॉटरी लग रही है। सुबह देर तक उठना, नो स्कूल नो होमवर्क, सारा दिन घर में मस्ती। अगर इस लॉकडाउन को कोई सही मायने में एंजॉय कर रहा है तो वो है ये बच्चे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे भी हैं जो अपने आने वाले एकेडमिक ईयर को लेके नर्वस है। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि लॉकडाउन अनाउंस हो गया। जेई, नीट, क्लैट, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो अब तक हो जाने चाहिए थे वो सभी हॉल्ट पे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कब क्या कैसे होगा, यही सोच रहे हैं ना आप। टाइम जैसे रुक सा गया है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकल रही। ऐसे माहौल में एंग्जाइटी होना, रेस्टलेसनेस होना बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। मानिए सब कुछ सही जा रहा होता और आपके एग्जाम्स अपने स्केड्यूल डेट्स पर होते, तो क्या आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह प्रिपेयर थे? ईमानदारी से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जवाब आपको मुझे या किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को देना है। जितना मैं इस एज ग्रुप को समझती हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लेन करते कि हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हमें बोर्ड्स पे फोकस करना था या कोचिंग क्लासेस थी, इसलिए हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला। देखिए, एक बात तो तय है कि एग्जाम्स होने हैं। जैसे ही सिचुएशन बेटर होगी, लॉकडाउन खत्म होगा, आपको अपने एग्जाम्स की डेट्स विद इन अ वीक मिल जाएगी। और ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में होगा कि शायद आपको अपना सिलेबस रिवाइज करने का मौका भी नहीं मिले। तो ये लॉकडाउन एक मौका है आपके लिए अपने आप को और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए। एक ऐसा मौका जो ना आपसे पहले किसी को मिला, ना शायद आपके बाद किसी को मिलेगा। सो इस बार नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम गेम। टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम एंड डू योर बेस्ट।